दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कैसे हम पीडीएफ फाइल के पेज को डिलीट करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, आज हम आपको बताएंगे कैसे हम मोबाइल फ़ोन के अंदर पीडीएफ फाइल के पेज को डिलीट कर सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पीडीएफ फाइल बुक बता देते हैं जिसके हम पेजेस डिलीट करेंगे। तो हमारी फाइल है फाइल मैनेजर में एंड फाइल, एंड फाइल्स में हमारी फाइल है व्हाट इज कंप्यूटर पीडीएफ। तो इसमें केवल हम दो पेज रखना चाह रहे हैं, बाकी सब डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल सा आपको गूगल क्रोम खोल लेना है एंड दोस्तों गूगल में टाइप करना है स्मॉल पीडीएफ एंड यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी smallpdf.com, आपको सिंपल सा इसको ओपन कर लेना है एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ टूल मिलेंगे एंड आप सी ऑल पीडीएफ टूल पर क्लिक कर देना है। तो इससे रिलेटेड जितने पीडीएफ टूल हैं इसके अंदर आपको शो होने लगेंगे एंड यहाँ पर है डिलीट पीडीएफ पेजेस, आपको सिंपल सा इसको एंड यहाँ से आप फाइल अपलोड करेंगे तो स्विच पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी अगर ड्रॉप बॉक्स में है, गूगल ड्राइव पे है, तो आप सिंपल सा यहाँ से फाइल को अपलोड कर सकती हैं। अगर आपके डिवाइसेस में है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि हमारी फाइल मैनेजर में एंड सिंपल सा फाइल में जाएंगे एंड थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारे इंटरनल स्टोरेज डिवाइस में, तो यहाँ पर है फाइल्स, फाइल्स में हमारे कौन सी फाइल है व्हाट इज कंप्यूटर, इसको हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आप सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ डिलीट का आइकन एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम इस पर डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं एंड इसको भी डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पर केवल एक पेज रखा है, हमने सारे डिलीट कर दिए, ठीक है दोस्तों। एंड अप्लाई चेंज पर क्लिक कर देते हैं एंड आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्स में, गूगल ड्राइव, हम सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की मेमोरी में डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपल सा डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड का आइकन आ गया और यहाँ पर फाइल डाउनलोड होगी। अब दोस्तों आपको फाइल कहाँ चेक करनी है, कहाँ पर होगी, तो आपको जाना है फाइल मैनेजर में एंड आपका डाउनलोड वाला आइकन कहाँ पर है, ये है, एंड आपकी व्हाट इज कंप्यूटर फाइल कहाँ पर है, देखिए ये है, और यहाँ पर एक ही पेज शो होगा, है ना। तो इस तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन से पीडीएफ पेजेस को डिलीट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।